मेरी गोवा के ट्रिप दौरान मैं जिस रिसोर्ट पे रुका था वो रिसोर्ट की आज मैं आपको शेयर करवाऊंगा। मेरा पूरा ग्रुप था तो मैं पूरे ग्रुप के साथ ये रिसोर्ट में रुका था तो उसके शेयर करवाता हूँ मैं आपको। इस होटल का, इस रिसोर्ट का नाम है द ओशन पार्क रिसोर्ट, जो कि कोलंगुट बीच के नियर बाय है और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। का जो चेक इन टाइम है वो 2 बजे का है, दोपहर 2 बजे का, और चेकआउट टाइम है 12 बजे का। तो आप यहाँ पे आते हो तो टाइम का ध्यान रख के आए, 2 बजे का है। आप सुबह में जल्दी आ जाते हो तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, रूम वेकेंट नहीं होगा तो आपको रूम जल्दी मिलेगा नहीं। और मेरा जो रूम था वो रूम नंबर था 007, जो कि जेम्स बॉन्ड का होता है। मेरा जेम्स वही नंबर था और बहुत अच्छा रूम मुझे मिला था, बहुत बड़ा स्पेशियस रूम था और उसमें स्पेस भी बहुत ज़्यादा थी, अंदर घूमने की जगह भी अच्छी थी। और मैंने 2+1 जैसे किया था तो मुझे एक्स्ट्रा बेड भी मिला था, उसके लिए भी अच्छी खासी जगह उसमें मिल गई थी मुझे। तो स्पेस भी अच्छा था, इंटीरियर अच्छा है और उसमें जो वॉशरूम है वो भी बहुत नीट एंड क्लीन है। अभी अभी उसका मेंटेनेंस हुआ है तो सब कुछ अच्छा है, आपको बहुत मज़ा आएगा। हॉट वाटर भी आपको मिलता है तो उसमें आपको बीच से आने के बाद भी आपको नहाने की कोई दिक्कत नहीं रहती। सुबह में शाम को जब भी आओ हॉट वाटर आपको 24 आवर मिल जाता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहती। यहाँ पर आपके कपड़े या सामान रखने के लिए कोई क्लोज़ेट है और अच्छा स्पेशियस है, तो उसमें भी आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। और पीछे की साइड है जो डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया भी आपको बता देता हूँ। पीछे की साइड है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है तो आपको सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा। उसकी एक ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ कि जो उसका फूड है वो मुझे तो बहुत पसंद आया, अच्छा खासा टेस्ट था। थोड़ा स्मॉल है तो सुबह में ऐसे आप आओगे तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे थोड़ी भीड़ आपको मिलेगी, लेकिन चल जाता है क्योंकि वन बाय वन आते हैं। कई लोग वॉकिंग के लिए चले गए होते हैं, कई स्विमिंग पूल में होते हैं, तो आपको ऐसे जगह तो मिल जाएगी। यहाँ का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत एंजॉय किया। शाम का डिनर भी अच्छा था और मैंने डिनर भी लिया था और ब्रेकफास्ट लिया था, तो दोनों में मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरा पूरा ग्रुप भी यहाँ पे आया हुआ है, अभी ग्रुप के साथ हम ब्रेकफास्ट ले रहे हैं और ब्रेकफास्ट अच्छा लगता है तो उंगलियाँ भी चाट लेते हैं। हमारे ये 2 मॉडल हैं वो कभी कभार ऐसे मॉडलिंग के लिए आ जाते हैं तो अच्छा मॉडलिंग कर लेते हैं दोनों लिटिल मॉडल। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ से जो वॉकिंग डिस्टेंस है बीच का, तो आप कभी भी आप बीच पे जा सकते हो और बीच में घूमने का आनंद भी मज़ा ले सकते हो। आप बीच पे सुबह में आके वॉकिंग का भी मज़ा ले सकते हो, सुबह में सनराइज़ के बाद आप आ जाओ तो आपको बहुत मज़ा आएगा, अच्छे से आप तो वॉकिंग कर सकोगे और वॉकिंग का मज़ा, मॉर्निंग वॉक का मज़ा आप ले सकते। मॉर्निंग वॉक ख़त्म करके आप स्विमिंग पूल में आ जाओ, 2-3 घंटे आराम से स्विमिंग पूल में रहो, बहुत मज़ा आएगा एंजॉय करने का। आप स्विमिंग पूल में भी आपको सुबह में हो या शाम में हो, आप बहुत अच्छी तरह से आप स्विमिंग का मज़ा ले सकोगे। अपना ग्रुप है तो ग्रुप के साथ भी आप स्विमिंग का मज़ा ले सकोगे। आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप सोलो में भी आप स्विमिंग कर सकोगे। बहुत डीप नहीं है, 5-5.5 फीट का है, तो आप अच्छी तरह से उसमें स्विमिंग कर सकोगे, स्विमिंग का आप मज़ा ले सकोगे। तो आप आते हो तो स्विमिंग भी कर लेना। आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक भी करना, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करना, अपने कमेंट भी रखना ताकि हमको भी अच्छा लगे, आपको वीडियो कैसा लगा। तो हमारे साथ ऐसे ही वीडियो आप देखते रहना और एंजॉय भी करते रहना, स्विमिंग का मज़ा लेते रहना। आप तो स्विमिंग में नहीं हो लेकिन मैं अंदर हूँ, मैं तो बहुत
मजा ले रहा हूँ स्विमिंग का। ये रिसोर्ट का मैं आपको नाइट व्यू भी दिखा देता हूँ। नाइट व्यू भी बहुत अच्छा है, रिसोर्ट नाइट में भी बहुत अच्छा लगता है। बीच के नज़दीक है तो आप नाइट में देर से आओगे तब भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप आराम से आ सकते हो, रह सकते हो। नाइट में आप गैलरी में भी बैठ के बाहर का नज़ारा एंजॉय कर सकते हो। बाहर आप नाइट में बैठो, गैलरी में भी चेयर रखी होती है, टेबल रखा होता है, तो आप वहाँ भी बेस्ट बैठ सकते हो। फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे हो तो आप ऊपर गैलरी में बैठ के आपका डिनर भी मंगवा सकते हो। आप बाहर बैठ के गैलरी में बैठ के आपका डिनर ले सकते हो, डिनर आप ऑर्डर भी करवा सकते हो। तो इस तरह से आप बहुत एंजॉय कर सकेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगता है वो भी आप मुझे बताना। ये और मेरे दूसरे भी गोवा के वीडियो है, वो वीडियो भी आप देख लेना। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर देना ताकि ये गोवा के सभी वीडियो आपको मिल सके, आप देख सको, एंजॉय कर सको। और इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो हैं, वो भी आप देख लेना। तो हम अब दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।